हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और मेरा नाम है प्रेम सागर। दोस्तों, रेडमी 30 सीरीज का लॉन्च करने के लिए जब अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि इंडिया के अंदर जब लॉन्च किया जाएगा, तो इसके लेकर काफ़ी बेसब्री से हमारे इंडियन यूजर्स को काफ़ी बेसब्री से इंतजार था कि रेडमी नोट 30 सीरीज कब देखने को मिलेगा। और रेडमी नोट 30 सीरीज में देखिए, तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, रेडमी नोट 30 5G, रेडमी नोट 30 प्रो, रेडमी नोट 30 प्रो प्लस। ये तीनों ही स्मार्टफोन 5G होंगे और काफ़ी शानदार होंगे। और एक स्मार्टफोन ऐसा भी होगा आपको जो कि 200 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो कहा जाए तो कह सकते फीचर्स के मामले में तीनों ही स्मार्टफोन दमदार होंगे। तो कोई फ्लैट डिस्प्ले होगा तो कोई लेदर फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हैं स्मार्टफोन काफी दमदार साबित होने वाला है, जिसमें तीनों में सुनने में आ रहा है तीनों में मीडिया टेक डायमसिटी का प्रोसेसर लग सकता है, लेकिन किसी एक में जैसे कि हाईवी मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का भी प्रोसेसर हो सकता है रेडमी नोट 30 प्रो प्लस में भी। तो कहा जा सके तो कहा जाए तो इसे की बात करें तो स्मार्टफोन काफी दमदार के साथ देखने को मिलेगी और बैटरी वगैरह सब कुछ भरपूर देखने को मिलेगी। ऐसे में अब यह कि रेडमी नोट 30 सीरीज 5G को लेकर अभी डेट अनाउंसमेंट हो चुका है कि ये स्मार्टफोन किस तारीख को लॉन्च होगा। पहले तो ये कंफर्म था कि ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा जनवरी के महीने में, लेकिन अभी तक डेट फिक्स नहीं था कि जनवरी में किस डेट को और किस दिन लॉन्च किया जाएगा। इसके लेकर हम पहले भी इशारा भी आपको किए थे कि जनवरी में कब तक लॉन्च हो सकता है, इसके लेकर मैं पहले से ही आपको इशारा कर रहा था। जस्ट उसी की डेट के आसपास ये देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये रेडमी नोट 30 सीरीज जो है कि आपको जनवरी के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है या दिसंबर की लास्ट से में। तो ये दिसंबर के लास्ट में नहीं देखने को मिला, दिसंबर जनवरी के फर्स्ट वीक में ही जैसे कि लॉन्च देखने को मिल रहा है, यानी कि पूरी तरह अनाउंसमेंट कर दिया गया है रेडमी नोट 30 सीरीज को लॉन्च के लेकर। रेडमी की तरफ से सब अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि रेडमी नोट 30 सीरीज जो 5G है, यह स्मार्टफोन आपको 4 जनवरी 2024 को लॉन्च किया जाएगा। यानी कि सीधी तरह पूरे क्लियर हो चुका है, 4 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर से लॉन्च किया जाएगा। अब देखा जाएगा इंडिया के अंदर इसकी प्राइस क्या क्या रखी जाती है, किस हिसाब से प्राइस रखी जाती है और फीचर्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, कि जो चाइना के अंदर इसे लॉन्च किया गया था उसी फीचर के साथ देखने को मिलता है। अधिकतर तो यही सुनने में आ रहा है कि जो चाइना के अंदर कुछ स्मार्टफोन के जो फीचर देखने को मिलता है उसी फीचर के साथ देखने को मिल सकता है। तो प्राइस भी आपको उसी पास भी उसी के आसपास देखने को मिल सकती है, ठीक ना। तो इंडिया के अंदर हो सके तो चाइना के अंदर लॉन्च किया गया था उसके अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो उसकी प्राइस वहाँ देखने को मिलती है उसी प्राइस देखने को मिल सकती है। जैसे हम बात करें रेडमी नोट 30 की लेकर, रेडमी नोट 30 आपको 20,000 से नीचे देखने को मिल सकती है। वही रेडमी नोट 30 प्रो की बात करें तो आपको 21 से 22,000 तक देखने को मिल सकती है, और प्रो प्लस की बात करें तो आपको ये 27,000 तक देखने को मिल सकती है। तो मतलब इस रेंज में आपको कहा जाए तो स्मार्टफोन की प्राइजेस रखी जा सकती है। तो सो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों स्मार्टफोन में से आप कौन से स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे, आपकी बजट क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।